को नर्क बना दिया, लंदन पेरिस नहीं दिल्ली को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, हर घर में शराब पहुंचाने का काम किया है केजरीवाल ने, कि हम ऑटो वाले दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम जज्बाती थे, हम जज्बात में आ गए थे, केजरीवाल के बहकावे में आ गए थे, अब हम दोबारा ऑटो वाले केजरीवाल के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। दिल्ली के ऑटो वालों को इतना बेवकूफ़ बनाया, इतना झूठ बोला, इस केजरीवाल को जिस उम्मीद के साथ लाए थे इस उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरा। तुम जिस सरकारी स्कूल को कहते हो कि प्राइवेट स्कूल से बढ़िया हो गया है, सरकारी स्कूल का हालत जाके देखो, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, एक दिन छोड़ के दो दिन छोड़ के एक दिन शिफ्ट होता है, कमरे का अभाव में बच्चे बाहर धूप में पढ़ रहे हैं या शिफ्ट बदल दिया जाता है। शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ 350 पेज का जो अफेयर लेके घूम रहा था, क्या किसी कांग्रेसी को जेल भेजने का काम नहीं किया? कि जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे ज्यादा हाथ मुख्यमंत्री बनाने में ऑटो वालों का ही था, अब ऑटो वाले ही से ही उनका बनता नहीं, ऑटो वाले जितने भी भाई लोग हैं सब उनसे नाराज हैं, ऐसा क्या हो गया? ऑटो वाले जो होते हैं ना ये जज्बाती होते हैं, ऑटो वाले सच्चा और ईमानदार आदमी होता है, उन ऑटो वाले केवल अपना हित नहीं देखा था, उसमें दिल्ली की भला देखा था, और ऑटो वाले से बेहतर दिल्ली को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि हम लोग दिल्ली के हर राउंड लगाते हैं, हर रोज लगाते हैं, और लोगों की प्रतिक्रिया जितना हम लोग को पता होता है लोगों के माध्यम से, इतना किसी को पता नहीं होता है। इसलिए लोगों में केजरीवाल के प्रति जो आक्रोश है, एक गुस्सा है, ये हम लोग भी देख रहे हैं कि केजरीवाल कहीं किसी गली मोहल्ले का एक भी नया फ्लाईओवर नया बनाया है, रोड का हालत बेकार है, भाई रोड पे केवल ऑटो ही चलता है क्या? क्या दिल्ली हमें रोजी रोटी देती है? दिल्ली की जनता जब खुशहाल नहीं रहेगी तो हम ऑटो वाले खुशहाल कैसे रहेंगे? इसलिए दिल्ली की जनता खुशहाल नहीं है तो हम ऑटो वाले इस केजरीवाल को जिस उम्मीद के साथ लाए थे इस उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरा। इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली होगा। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या 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 दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या दिल्ली में दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा दिलवाया? नहीं ना। लोकपाल बिल लाया, शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ 350 पेज का जो अफेयर लेके घूम रहा था, क्या किसी कांग्रेसी को जेल भेजने का काम नहीं किया? किया है क्या? नहीं किया ना। आज मोदी आज अपने स्तर से प्रधानमंत्री और राष्ट्र के स्तर से जो मोदी भ्रष्टाचार खत्म कर रहा है, और केजरीवाल जिस कष्ट भ्रष्टाचार के विरुद्ध सत्ता में आया था, आज मोदी जी भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम कर रहे हैं, डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा जा रहा है, कि बीच में बिचौलिए का काम खत्म हो गया, क्या ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं है? आप दिल्ली में बताइए कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नया नया आया था, हम लोग को सपना दिखाया, भाई वीडियो बनाओ तो हमें बताओ, हम पुलिस वाले पर कार्रवाई करेंगे या चाहे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अरे भैया, हम किसी का वीडियो बनाएंगे कोई बनाने देगा क्या? इस तरह से इसने बेवकूफ बनाया ना, तो भ्रष्टाचार खत्म किया। और रही बात जिस कांग्रेस के विरुद्ध ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा के दिल्ली की सत्ता पे आया था, आज उसी कांग्रेस से सहयोग मांग रहा है कि भाई तुम सब मिलके आओ और राज्यसभा में जो है बीजेपी को हराते हैं, और जिसमें कि हमें हीरो बना दो, केजरीवाल को हीरो बना दो, और कांग्रेस सब साथ आओ, और जो है ऐसे दिल्ली में से पूरा हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा जी बीजेपी को भी हरा सकते हैं। अच्छा। अरे केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आज जिसका साथ ले रहे हो, कल तक तुम ही तो इन पे आरोप लगा रहे थे, तुमने एक आदमी को भी तो जेल नहीं भेजा। अच्छा, एक बात हमें ये बताइए, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं को बस में टिकट नहीं लगेगा, इस फैसला से आप लोगों को कुछ दिक्कत हुआ? भाई सुनिए, फ्री इनको किसने कहा था? फ्री कोई भी नहीं चाहता। दिल्ली की जनता खुददार है, वफादार है, दिल्ली की जनता मेहनत कश है, अब तुम फ्री में दे रहे तो कौन ले लेगा भाई? किसी जनता ने फ्री के नाम पे इसको वोट नहीं दिया था, राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे वोट दिया था, दिल्ली में वाईफाई लगाने के नाम पे वोट दिया था, नए अस्पताल बनाने के नाम पे वोट दिया था। देखिए, एक भी अस्पताल बना है? नहीं बना। बना है तो एक भी अस्पताल का नाम बताइए। दिल्ली में नए कॉलेज खोलने के नाम पे वोट दिया था, दिल्ली में नए स्कूल खोलने के नाम पे वोट दिया था। अरे स्कूलों में तुमने रंग पेंट करा दिया और कहते हो गया, तुमने एक भी अस्पताल नहीं खोला। एक हो हल्ला के नाम पे हो हल्ला क्लिनिक खोला तुमने, जिसको मोहल्ला क्लिनिक कहते हो। ये मोहल्ला क्लिनिक कम, हो हल्ला क्लिनिक ज़्यादा है। क्यों?
तुम इसको इतना हल्ला मचा रखे हो टाइम्स, क्या कहते हैं वो कौन सा टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐड दे दे के छपवाया। अरे भैया कोरोना काल में कितने मोहल्ला क्लिनिक में पेशेंट ठीक ही हुआ है ये बताओ आप, कोरोना काल में आप लोग भी बताइए, एक भी मोहल्ला क्लिनिक में पेशेंट गया नहीं गया ना, तो मोहल्ला क्लिनिक क्या दिल्ली की जनता को तुमने धोखा दे के सत्ता में आया था कि हम नए अस्पताल बनाएंगे, क्या तुम सर्दी जुकाम ठीक करने के नाम के खोले हो, अपना इलाज भी नहीं करवाए हो मोहल्ला क्लिनिक में विदेश जी 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 ना, तो तुम्हारे एक भी मंत्री मोहल्ला क्लिनिक में जाता ना, तुम अपना इलाज करवाते हो, तुम विदेश जाते हो, तुम्हारे मंत्री अपोलो में जाते हैं या विदेश जाते हैं, बता तुम्हारे एक भी बच्चे यहाँ के स्कूल में पढ़ता हो तो बताओ, तुम जिस सरकारी स्कूल को कहते हो कि प्राइवेट स्कूल से बढ़िया हो गया है, सरकारी स्कूल का हालत जाके देखो, हमारे बच्चे पढ़ते हैं एक दिन छोड़ के दो दिन छोड़ के एक दिन शिफ्ट होता है, कमरे के अभाव में बच्चे बाहर धूप में पढ़ रहे हैं या शिफ्ट बदल दिया जाता है, तुम कहते हो हमने शिक्षा का स्तर ठीक किया है, तुमने कुछ नहीं ठीक किया केजरीवाल, सिवाय अपना विकास किया है और भ्रष्टाचार करने का नया नया तरीका अपनाया है तुमने, तुमने एक शराब मंत्री वो जेल गया, तुम्हारा सत्येंद्र जैन जेल में है, तुमने अब जाके उसका इस्तीफा लिया है, तुमने जिस जिसने साथ दिया है तुमने सबको धोखा दिया है, तुमने जोगिंदर यादव को धोखा दिया है, प्रशांत किशोर को धोखा दिया है, कुमार विश्वास को धोखा दिया है, दिल्ली की जनता को भी धोखा दिया है तुमने, बताओ कोरोना काल में तुम्हारा क्या योगदान है दिल्ली में। अरे भला हो वो तो अमित शाह का, केंद्र सरकार का, जिन्होंने कोरोना काल में विस्फोटक हो रहे कोरोना को देखते हुए माननीय गृह मंत्री इस देश के अमित शाह जी ने मोर्चा संभाला तब जाके कोरोना काल कंट्रोल में हुआ, नहीं तो तुम केजरीवाल कहते कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं तो सब कुछ बेच देता है वो। भला हो ऐसे बोलने वाले का, अच्छा है कि मोदी जी केजरीवाल के इतना पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम इतना छल कपट तो नहीं जानता मोदी, भ्रष्टाचार करने का इतना तरीका तो नहीं जानता, केजरीवाल वाकई बहुत पढ़ा लिखा है भाई साहब, एक टीम वर्क है इसका, जो माफिया गिरी होता है ना, इतना पढ़ा लिखा है कि लोग को कितना कैसे बेवकूफ बनाया जाए, किस तरह से टोपी पहनाया जाए, ये कोर्स करके आया, वाकई में केजरीवाल पढ़ा लिखा है, हमारा प्रधानमंत्री मेरा गौरव है, हमारे देश का गौरव है, मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे, जो कहता है ना कि पढ़ा लिखा, तुम उसकी डिग्री देखते हो, डिग्री तो मनमोहन सिंह जी के पास सबसे ज्यादा था, क्या विकास हुआ क्या, आए दिन पाकिस्तान के नारे लगते थे, आए दिन देश में दंगा फसाद होता था, क्या मनमोहन सिंह जी एक भी काम कर पाए बताओ, एक भी काम जो देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गौरव बढ़ा हो देश का मनमोहन सिंह के टाइम, जो कि मनमोहन सिंह तो बहुत पढ़े हुए थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा आप लोगों को दिल्ली में परेशानी है, ऑटो वाले जो है सो अब खुश हैं दिल्ली में केजरीवाल के कोई ऑटो वाले खुश नहीं है, ऑटो वाले तो इतने गुस्से में है, कह रहा चुनाव आए और हम केजरीवाल को खुल के सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है दिल्ली का ऑटो यूनियन, मैं दिल्ली वाले ऑटो वाले भाई से आह्वान करता हूँ, ऑटो वाले भाई जिस तरह आप लोग को बेवकूफ बनाया कि आंदोलन में हिस्सा लिया आपने, जगह जगह आपने इनके होर्डिंग पोस्टर लगाए, गाड़ी पे चलान कटवाए इसका होर्डिंग लगा के, मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि दिल्ली को स्वर्ग बनाने के लिए, पेरिस बनाने का जिसने वादा किया, हम ऑटो वाले भाई जो ये वादा खिलाफी केजरीवाल को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें, और संकल्प लेते भी हैं कि हम ऑटो वाले दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम जज्बाती थे, हम जज्बात में आ गए थे, केजरीवाल के बहकावे में आ गए थे, अब हम दोबारा ऑटो वाले केजरीवाल के बहकावे में नहीं आने वाले हैं, ऐसा मैं ऑटो वाले के तरफ से मैं आपको वचन देता हूं, आह्वान करता हूं ऑटो वाले भाइयों से भी कि केजरीवाल का विरोध जिस तरह हमने समर्थन किया था आगे बढ़ चढ़ के, अब उसी तरह हम लोग इसका विरोध करें, ताकि केजरीवाल को सबक मिले कि जनता से झूठ बोलने का क्या सबक होता है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अभी एक दो लोग और हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या लग रहा है कि दिल्ली में जितने भी ऑटो वाले हैं वो सब केजरीवाल के शासन प्रशासन से पूरे खुश हैं आप लोग? नहीं नहीं, 1% नहीं। क्या दिक्कत आ रही है? दिल्ली के ऑटो वालों को इतना बेवकूफ बनाया, इतना झूठ बोला इसने, जो है यूपी में यूपी एनसीआर को दिल्ली में भर दिया, एक पैसे का काम नहीं, बैटरी कम से कम 200 लाख हो गई, स्पीड रिक्शा 200 लाख हो गई, सबसे बढ़िया शीला दीक्षित ट्रांसपोर्ट के नाम पे शीला दीक्षित सही थी, इसने तो इतना बेवकूफ़ बना जिसका कोई मतलब नहीं। हाँ अच्छा, आप लोगों को ये पता होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमने लंदन बनाएंगे हम अपनी दिल्ली को, लंदन बन गया है ना पूरा? अरे लंदन क्या बना है, इसने एमसीडी में आ गया दोबारा जीत के, जरा एमसीडी का देखिए कहीं सफाई हुई है?
कहीं कुछ हुआ है? कह रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दिल्ली को चमकाएंगे। क्या चमकाया बताओ? हाँ। दिल्ली को नरक बना दिया, दिल्ली को नरक बना दिया, लंदन पेरिस नहीं, दिल्ली को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। हर घर में शराब पहुंचाने का काम किया है केजरीवाल ने, और दिल्ली को बरसात के टाइम में गंदे नालों के झील में बदल देता है, पानी इतना फ्री कर देता है कि दिल्ली को गंदे नालों के झील में घूमना पड़ता है। हम गाड़ी वाले नाव की तरह घूमते हैं, टहलते तैरते हैं, इतना पानी फ्री कर दिया है गंदे नालों का पानी। अच्छा, ठीक है अंकल जी, एक बात बताइए कि जब से महिलाओं के बस में टिकट फ्री हुआ है तब से आप लोगों को परेशानी आ रही है रोजमर्रे में? महिलाओं से कोई फ्री नहीं, महिलाएं खुद इसको गाली देती हैं कि हमारी बेइज्जती ये कर रहा है। बताओ, जो महिलाएं 80,000 रुपये कमा रही हैं वो 10 रुपये का टिकट नहीं ले सकती? महिलाएं टिकट लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये बेवकूफ बनाया है, क्या करोगे लोग? महिलाएं खुद इसको गाली देती, महिलाओं से बात करो कि हमको फ्री नहीं चाहिए। हमारे ऑटो पे सवारी दिल्ली की, दिल्ली की 90% पब्लिक ये चाहती कि हमको कोई चीज़ फ्री नहीं चाहिए, न पानी न बिजली न कुछ, सिर्फ जो है यहाँ का सुचारू रूप से सही हो, सफाई हो, अर्थव्यवस्था सही हो। आज तुम्हारे आज दिल्ली के अंदर देख लो, हरियाणा अलीगढ़ तक का ऑटो दिल्ली में चल रहे हैं, तुम्हारे चारों तरफ से दिल्ली एकदम नरक बना दिया है। ऐसा शीला दीक्षित सरकार में ट्रांसपोर्ट ऐसा कभी खराब नहीं हुआ था।